अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में लेके आया हूँ जी मैसी फर्गुसन 375 2010 मॉडल ट्रैक्टर है जी। शो की कंडीशन बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, कहीं से कोई खराश वगैरह ट्रैक्टर की शो के ऊपर मौजूद नहीं है। बाकी इंजन आप चेक कर लें, इंजन गियर इस ट्रैक्टर का बिल्कुल बेआवाज़ है और कलर भी आपके सामने है जी, ट्रैक्टर का कलर भी अपना है और टोटल जेन्युइन है। ये रिम की कंडीशन भी आप देख लें जी, रिम ट्रैक्टर के चारों बिल्कुल बेदाग हैं, कहीं से कोई दाग धब्बा या कोई जंग ट्रैक्टर के रिमों के ऊपर मौजूद नहीं है। ये बैक साइड आप ट्रैक्टर की देख लें जी, टूपों की कंडीशन, लिंकों की कंडीशन, टूपें ट्रैक्टर की अपने जेन्युइन किल काबलों में मौजूद हैं और लिंकें भी ट्रैक्टर की बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, कहीं से कोई टूट फूट ट्रैक्टर के लिंकों में भी मौजूद नहीं है। ये टायरों की कंडीशन आप देख लें जी, टायर भी ट्रैक्टर के बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, कहीं से कोई कट वगैरह ट्रैक्टर के टायरों में भी मौजूद नहीं है। ये दूसरी साइड का रिम आप देख लें, रिम ट्रैक्टर के चारों बिल्कुल बेदाग हैं। ये मडगार्ड की कंडीशन आप देख सकते हैं जी। बाकी इंजन की कंडीशन आपको दूसरी साइड से दिखा रहे हैं, इंजन गियर इस ट्रैक्टर का बिल्कुल बेआवाज़ है और कलर भी ट्रैक्टर का अपना जेन्युइन है जी। बाकी ये आगे वाले टायर की कंडीशन आप देख लें, आगे वाले टायर ट्रैक्टर को दोनों बिल्कुल नए ऑनर ने लगवाए हुए हैं और पीछे वाले टायरों की कंडीशन आपने देखी है, तकरीबन 13 से 14 आने ट्रैक्टर के पीछे वाले टायरों की कंडीशन इस वक्त मौजूद है। ये शो आप चेक कर लें जी दूसरी साइड से, शो ट्रैक्टर की हर तरफ से बिल्कुल साफ़ है, ऊपर से साइडों से कहीं से भी कोई ख़राश ट्रैक्टर की शो के ऊपर मौजूद नहीं है। बाकी फ्रेंड ट्रैक्टर को नंबर 4 की रोड खुशाब का लगा हुआ है जी और लोकेशन भी ट्रैक्टर की ज़िला खुशाब की है और जितना ही इस्तेमाल हुआ ट्रैक्टर एक ही हाथ में चला है और फर्स्ट ऑनर ट्रैक्टर है। ठीक हो गया दोस्तों, बाकी अगर आप कोई भी डिटेल ट्रैक्टर के मालिक से राबता करके लेना चाहते हैं तो नंबर भी मैं आपको नोट करवा देता हूँ, आप उनसे डायरेक्ट रब्ता करके ट्रैक्टर की जो भी मालूमात लेना चाहते हैं आप उनसे डायरेक्ट रब्ता करके ले सकते हैं। तो नंबर आप नोट कर लें जी, 0326-2269-972। ये मोहम्मद जफरुल्ला जोया साहब ट्रैक्टर के मालिक हैं जी और ये उनका मोबाइल नंबर है, कॉल नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। आप जो भी ट्रैक्टर की मालूमात लेना चाहते हैं आप इस नंबर पे उनसे रابطہ करके ले सकते हैं। बाकी फ्रेंड ट्रैक्टर को नंबर लगा हुआ है जी ज़िला खुशाब का, ट्रैक्टर का नंबर है और लोकेशन भी मैंने आपको बताई है, ज़िला खुशाब की ट्रैक्टर की लोकेशन है और फर्स्ट ऑनर ट्रैक्टर है और जितना ही इस्तेमाल हुआ है थल के इलाक़े में हुआ है, इसलिए कंडीशन ट्रैक्टर की बिल्कुल ज़बरदस्त है। मैकेनिकल तौर पर भी ट्रैक्टर बिल्कुल फिट है जी, कोई भी 1 रुपए का भी काम ट्रैक्टर का इस वक्त होने वाला नहीं है, सलाफ स्टार ट्रैक्टर है जी और नई नई बैटरी भी ट्रैक्टर को अभी अभी ओनर ने रखवाई है। ठीक हो गया दोस्तों, बाकी फ्रेंड सामान ट्रैक्टर को लगा हुआ है लेकिन ये आप ट्रैक्टर के मालिक से रब्ता करके पूछ लीजिएगा कि सामान उन्होंने साथ देना है या नहीं देना, क्योंकि मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने यही कहा है कि जो बंदा मुझे कॉल करेगा मैं उसको खुद बता दूंगा कि सामान मैंने देना है साथ या नहीं देना। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि सामान के बारे में आप उनसे रابطہ करके पूछ लीजिएगा क्योंकि सामान उन्होंने साथ देना है या नहीं देना। ठीक होगा दोस्तों, बाकी फ्रेंड चलते हैं जी ट्रैक्टर की डिमांड की जानिब। तो जो ट्रैक्टर के ऑनर ने इसकी डिमांड की है वो 16,50,000 रुपये ट्रैक्टर के मालिक ने इसकी डिमांड की है। डिमांड भी ट्रैक्टर की बिल्कुल मुनासिब है क्योंकि डिमांड जो होती है वो टायरों के हिसाब से होती है, तो टायर ट्रैक्टर के बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, आगे वाले टायर ट्रैक्टर के बिल्कुल नए ऑनर ने लगवाए हुए हैं और पीछे वाले टायरों की कंडीशन भी तकरीबन 13 से 14 आने है। मैकेनिकल तौर पर भी ट्रैक्टर बिल्कुल फिट है, 1 रुपए का भी काम ट्रैक्टर का इस वक्त होने वाला नहीं है और डिमांड जो है वो 16,50,000 रुपये जो कि बिल्कुल मुनासिब है। बाकी ये भी कोई इसकी फाइनल डिमांड नहीं है, इसमें भी आपको इंशाल्लाह कमी पेशी होगी जो कि आपके साथ मौका पर की जाएगी। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ।
मुकम्मल वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।